हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है खूनी नदी और बंदर। गांव के नज़दीक एक बहुत घना जंगल था। उस घने जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे और उसी जंगल में एक बहुत गहरी नदी थी। शाम होते ही वह नदी बहुत ही डरावनी लगती थी। कोई भी जंगली जानवर उस नदी की तरफ नहीं जाते थे। सभी डरते थे क्योंकि कई बार ऐसा हुआ जो भी जंगली जानवर शाम के समय उस नदी में पानी पीने गया वो तो वापस ही नहीं आया और कोई नदी का भूत उस जानवर को खा गया। इसीलिए सभी जानवरों ने उस नदी का नाम खूनी नदी रख दिया था। उस तरफ किसी भी जानवर को जाने से मना किया जाता था कि उस तरफ मत जाना, तुम वापस नहीं आ पाओगे। और ये बात सबने देखी भी थी। एक सियार उस नदी की तरफ गया और वह वापस नहीं आया। अब सभी जानवर उस नदी में शाम के समय नहीं जाते थे। शाम होते ही सभी जानवर उस नदी से बहुत दूर हो जाते थे। एक समय की बात है, जंगल में एक भटकता हुआ बंदर आ गया। वह बंदर उस जंगल के लिए नया था और उस बंदर के लिए भी यह जंगल नया था। वह इधर उधर भटक रहा था, तभी उसे अचानक एक खरगोश दिखा। अब जैसे ही उस बंदर को वह खरगोश दिखा, उस बंदर ने पूछा, यह कौन सा जंगल है, मुझे इस जंगल के बारे में नहीं पता। मैं पीछे के गांव से आया हूँ, वहाँ पर एक जंगल है, वह जंगल लोगों ने काट दिया है, इसीलिए मैं इस जंगल में आ गया। मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, मैं रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। तभी खरगोश बोला, हाँ हाँ, तुम्हारा स्वागत है हमारे जंगल में, तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। कोई भी पेड़ तुम्हें अच्छा लगे तुम उस पेड़ पर अपना घर बना लो। आओ, मैं तुम सबसे मिलवाता हूँ इस जंगल में। अब वह खरगोश सभी जानवरों से बंदर को मिलवाने लगा। अब घूमते फिरते बंदर को एक बरगद का पेड़ पसंद आया। उसे लगा, यह बहुत घना पेड़ है, मुझे यह बरगद का पेड़ अच्छा लगा, मैं इसी पर ही रहूँगा और अपना घर इसी पर बनाऊँगा। अब खरगोश ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इस बरगद के पेड़ पर कोई नहीं रहता। अब वह खरगोश उस बंदर को यह बताना भूल गया कि इस बरगद के पेड़ के पास वही खूनी नदी है, तुम उस ओर मत जाना। अब खरगोश तो उसे बिना बताए ही चला गया। अब जैसे ही शाम हुई, उस बंदर को प्यास लगी और उसे लगा कि कहीं आसपास पानी हो तो मैं वहाँ जाकर पानी पी लूं। अब जैसे ही बंदर ने उस नदी को देखा तो बंदर उस नदी की ओर गया। तभी उसे अचानक उस नदी के अंदर कुछ दिखा। उसे लगा इस नदी के अंदर कोई है और वह उस बंदर की ओर आ रहा था। बंदर अचानक उस नदी से दूर भागा। तभी रास्ते में उसे एक छोटा हिरन दिखा। हिरन ने कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो। बंदर ने कहा, वो जो तुम्हें एक नदी दिख रही है ना, वो कोने में अंधेरे में मैं उस नदी में पानी पीने गया था। अब छोटा हिरन बोला, तुम नदी में पानी पीने गए थे, क्या तुम्हें खरगोश ने बताया नहीं कि वह खूनी नदी है, उस नदी में शाम होने पर कोई भी जंगली जानवर नहीं जाता क्योंकि वह नदी सबको खा जाती है, जो जानवर उसकी तरफ जाता है वह जानवर वापस नहीं आ पाता। अब खरगोश वहां से गुजर रहा था तो हिरन ने कहा, खरगोश तुमने बंदर को नहीं बताया कि वह नदी की तरफ नहीं जाना। अब खरगोश बोला, नहीं, मैं तो इन्हें बताना ही भूल गया था। बंदर ने कहा, क्या बात है, मुझे बताओ। तो खरगोश ने सारी बात बताई कि वह नदी खूनी नदी है, उस नदी की तरफ जो भी जानवर जाता है वह वापस लौटकर नहीं आता। तो बंदर ने उन्हें कहा, वह खूनी नदी नहीं है, उसके अंदर एक मगरमच्छ है जो जानवरों को खा जाता है। अब खरगोश बोला, नहीं नहीं, कोई मगरमच्छ नहीं है उसके अंदर। अब सारे जानवर मिलकर शेर राजा के पास गए।
और उन्हें यह सारी बात बताई। खरगोश ने बताया, शेर महाराज देखो आज ये बंदर उस नदी की तरफ गया था और जिंदा वापस आ गया, लेकिन यह कह रहा था कि उस नदी में एक मगरमच्छ है जो जानवरों को खा जाता है। शेर ने बंदर से पूछा, क्या तुमने मगरमच्छ को देखा? तो बंदर बोला, नहीं महाराज, मैंने मगरमच्छ को देखा नहीं, लेकिन मैं दूर से ही समझ गया था कि यह एक मगरमच्छ है और वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। शेर ने कहा कि क्या तुम सही कह रहे हो? अगर ये बात झूठ हुई तो हम तुम्हें अपने जंगल से निकाल देंगे। अब बंदर ने यह शर्त कबूल ली और बोला, मैं सही कह रहा हूँ और सत्य कह रहा हूँ। अगर यह बात झूठ निकली तो मैं स्वतः ही यह जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। महाराज आप सभी मेरे साथ चलिए और छुपकर झाड़ियों के पीछे से देखिए कि वह एक मगरमच्छ है, विशाल काय मगरमच्छ है जो सभी जानवरों को, वह मगरमच्छ शाम होते ही कोई भी जानवर जब नदी की तरफ जाता है तो वह अंधेरे का फायदा उठाकर उन जानवर को खा जाता है। वह उस जानवर को खा जाता है और हम सब समझते हैं कि वह खूनी नदी है। वह नदी खूनी नहीं, वहाँ पर एक मगरमच्छ है। अब शेर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं और तुम्हारे साथ चलते हैं। अब सभी जानवर उस बंदर के साथ उस खूनी नदी की तरफ चल दिए और बंदर ने कहा, आप सभी लोग झाड़ियों के पीछे छिप जाएं। अगर वह थोड़ी देर में मगरमच्छ बाहर जरूर आएगा। अब बंदर उस पानी की तरफ गया और पानी को हाथ से हिलाने लगा। अब जैसे ही वह मगरमच्छ बंदर की तरफ आया तो उसने अचानक एक विशालकाय हाथी को देख लिया कि यह सब तो मुझे छिपकर देख रहे हैं। और मगरमच्छ सोचने लगा, अगर मैं इन सबके सामने आ गया तो इन्हें तो मालूम चल जाएगा कि इस नदी में मगरमच्छ रहता है। फिर तो यह इस नदी को खूनी नदी नहीं मगरमच्छ की नदी कहेंगे और यह सब मुझे मिलकर मार डालेंगे। मगरमच्छ ने सोचा, मेरा बाहर जाना ठीक नहीं, मुझे यहीं रहना चाहिए। अब जब काफ़ी देर हो गई और उस नदी में से कोई मगरमच्छ नहीं आया तो सभी जानवर झाड़ियों से बाहर निकल आए और बंदर से बोले, कहाँ है मगरमच्छ? तुम झूठ बोल रहे थे, तुमने बेकार में ही हमारा समय खराब किया। अब शेर महाराज बोले, हाँ तुम झूठ बोल रहे थे, कोई भी मगरमच्छ इस नदी में नहीं है, यह खूनी नदी है और तुम भी इस तरफ मत जाना। बंदर ने कहा, तुम सब मेरी बात को मानो, अच्छा थोड़ा सा मुझे और समय दो, मैं कुछ सोचता हूँ। अब उस बंदर ने एक योजना बनाई। फिर उस बंदर ने बोला, देखा शेर महाराज, इस नदी के अंदर एक पत्थर है जो बोलता है, मैं उसे बेकार में ही मगरमच्छ समझ बैठा। देखना अभी यह पत्थर बोलेगा कि हाँ मैं मगरमच्छ नहीं, मैं एक पत्थर हूँ, और अगर यह नहीं बोला तो यह जरूर मगरमच्छ ही होगा। अब वह मगरमच्छ सोचने लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो ये लोग तो मुझे मगरमच्छ समझ के मार डालेंगे, तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। अब वह मगरमच्छ चुपके से धीरे से बोला, मैं एक पत्थर हूँ, मैं मगरमच्छ नहीं। अब जैसे ही ये आवाज़ सुनी तो सभी जानवर हैरान होकर देखने लगे और समझ गए कि इस नदी में मगरमच्छ है। तो बंदर ने धीरे से कहा, शेर महाराज पत्थर कभी बोलता नहीं है, देखा मैंने आप लोगों को सही कहा था ना कि यहाँ पर एक विशाल काय मगरमच्छ है जो सभी जानवरों को शाम होने पर खा जाता है। अब शेर समझ गया कि इस नदी में एक मगरमच्छ रहता है। अब सभी जानवर वापस अपनी जगह पर वापस लौट आए और सोचने लगे कि अब इस मगरमच्छ को कैसे बकाया जाए, हम तो शाम होने पर इस नदी के पास फिर भी नहीं जा पाएंगे। तो शेर ने कहा, देखो हम इस मगरमच्छ का कुछ नहीं कर सकते और ना ही इसे इस नदी से निकाल सकते हैं, तो हमें पहले की तरह ही शाम होने पर इस नदी की तरफ नहीं जाना है। लेकिन बंदर ने कहा, यह मगरमच्छ इस नदी से निकलेगा और मैं इस मगरमच्छ को नदी से निकालूंगा। शेर ने उसे समझाया कि देखो तुम भी इस मगरमच्छ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम अपने बरगद के पेड़ पर आराम से रहो और तुम भी उस नदी की तरफ मत जाना।
अब बंदर ने तो ठान रखी थी कि मैं इस मगरमच्छ को इस नदी से निकाल कर ही रहूंगा। उसने एक तरकीब से उस नदी में एक रस्सी बांधी और रस्सी को पेड़ से लटका दिया और खुद नदी के पानी में हाथ पैर मारने लगा ताकि वह मगरमच्छ समझे कि कोई जानवर पानी पीने आया है। और जैसे ही वह मगरमच्छ उस नदी में बाहर की तरफ आया, वह उस रस्सी में फंस गया। और जैसे ही वह रस्सी से निकलना चाहता था, वह रस्सी में उलझता चला गया। अब जैसे ही उस मगरमच्छ को उस रस्सी में फंसा हुआ देखा, बंदर बहुत खुश हुआ। मैंने मगरमच्छ को पकड़ लिया, शेर महाराज देखो मैंने मगरमच्छ को पकड़ लिया। अब सभी जानवर नदी की तरफ आ गए और देखने लगे कि सच में बंदर ने रस्सी से उस मगरमच्छ को पकड़ लिया। अब शेर ने बोला कि इस मगरमच्छ को नदी से बाहर कैसे करेंगे? तो बंदर ने कहा, नहीं महाराज, अब यह मगरमच्छ बस इसी दायरे में ही रहेगा और जो कुछ इसको नदी से मिलेगा वह वही खाएगा और यह किसी भी जानवर को तंग नहीं करेगा। अब कोई भी जानवर शाम होने पर इस नदी की तरफ आ जा सकता है। और यह सब देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। देखा बच्चों, कभी कभी हमारी थोड़ी सी समझदारी से हमारी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है, जिस प्रकार आज इस बंदर ने किया।